नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद हो रहे लोकसभा का चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली की जीत सुनिश्चित करने के लिए बसपा का कैडर मजबूत होने लगा है। वहीं बसपा के नेता भी गुड्डू जमाली के साथ कदम से कदम मिलाकर दिन रात एक किए हुए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के बलिया जिले के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह ने शहर के सिधारी क्षेत्र स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, बाकी सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ बाहरी प्रत्याशी हैं, इसलिए जनता ने मन बना लिया है, इस बार गुड्डू जमाली को ही जिताना है। और क्या कुछ कहा बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह ने, सुनिए। मांगने के बजाय केवल बीएसपी को इस बात के लिए हमेशा प्रचार करती रहती है कि बीएसपी बी टीम, केवल इसलिए कि बीएसपी के साथ माइनॉरिटी सटने न पाए। जानते हैं कि माइनॉरिटी अगर सटी तो बीएसपी 45% हो जाएगी, किसी से पकड़ में नहीं आएगी। उसके बाद और भी जो 5-7% 10% जो प्रतिशत रोड होता है, जो रोड पर रहता है, जो देखता है, आंकता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर बीएसपी 50% पहुँचती। इसलिए अखिलेश जी ने इसको पूरी तरह से प्रचारित कराया। और अभी बीएसपी को रोकने के लिए अखिलेश जी ने बलिहारी बाबू के लड़के को प्रत्याशी घोषित कर दिया कि वो दलित का वोट काट लेगा, बीएसपी का वोट कम हो जाएगा, इसलिए कि बीएसपी का प्रत्याशी माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी और दलित मिल जाएंगे तो बीएसपी जीत जाएगी, तो रुकिए हम दलित वोट काट देंगे तो बीजेपी जीत जाए। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। तो धर्मेंद्र जी भी इस बात को समझ रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी जान रहे हैं। और क्या हम, मैं तो कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी यहीं अपने घर में, आप देखिए उनके कई नेताओं के आपस में विरोध है, कई उनके यादव समाज के जो नेता हैं, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो तो सारे लोग अंदर से विरोध कर रहे हैं कि अब धर्मेंद्र अगर हो जाएंगे, धर्मेंद्र का तो करियर बहुत लंबा है, धर्मेंद्र के बदायूं सीट ऑलरेडी फंस गई है भाई। जो पहले भाजपा ने जीती है वहाँ, वही भाजपा वाले अब आ गए सपा में, और सपा में अखिलेश जी ने उनको हारने के बावजूद भी MLC बना दिया, और उन्हीं की बेटी वहाँ से सांसद है, तो धर्मेंद्र जी की सीट तो गई बदायूं। तो फिर बदायूं अब क्या होगा, ये आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ अगर धड़कन है तो उस धड़कन में ऑक्सीजन देने वाले आजमगढ़ में लोग नहीं हैं। आजमगढ़ में यादव समाज का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी लड़ाती। अब अगर धर्मेंद्र यहाँ यादव समाज नहीं समझ रहा है, या समाजवादी पार्टी में राजनीति करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र यादव इस पर जीत गए तो उनकी परमानेंट की सीट आजमगढ़ हो जाएगी और बधाई हो जाएगी मौर्या जी की बेटी की। तो ये सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मौका है इस बार सिपाही को यहीं से बढ़िया से पैक करके, क्योंकि गर्मी है, बर्फ वर्फ डाल के सिली लगा के पैक करके भेजा जाए ताकि सिपाही जाते जाते खराब ना हो, आराम से सिपाही खुले तो ताज़ा दिखे, और सिपाही के आसपास अपनी कोई पार्लियामेंट की सीट खोले।